बीजेपी का मोदी है तो मुमकिन है का नारा तो आपको याद ही होगा, जिसे हर जगह लगाकर भाजपा वाले अपनी नाकामी छिपाते आए हैं। लेकिन अब मोदी है तो मुमकिन की जगह एक नए नारे ने ले ली है, जो है मोदी है तो जिंदा है। जी हाँ, दरअसल ये ताज़ा नारा बिहार के बीजेपी के मंत्री राम सूरत राय ने दिया है, जो बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री है। उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से जिंदा है, जिसका एक वीडियो भी निकलकर सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो आपको देखना चाहिए। आप एक बार ये वीडियो देखिए और सुनिए भाजपा के ये नेता क्या कह रहे हैं। दो तीन सालों में अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया है कोरोना के कारण, फिर भी आपका देश, बहुत सारे देश में तो स्थिति है, आप पाकिस्तान के लोगों से बात कर लीजिए, सब लोग टीवी मीडिया के माध्यम से देखते हैं, लेकिन फिर भी आप भारत में सुकून और चैन से हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज अगर जिंदा है तो वो नरेंद्र मोदी का देन है। अगर नरेंद्र मोदी अपना कोविड वैक्सीन का इतिहास नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं लगाता, जिस तरह से वो ऐसा जो एक साल पहले वाला जो कोरोना था, सबसे पहले वाला कम था, बीच वाला जो कोरोना आया था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अपने परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग, दोस्त जिसके घर में नहीं मरा। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के भूमि और राजस्व सुधार मंत्री राम सूरत राय का है, जिन्होंने मुजफ्फरपुर जिले के एक कार्यक्रम में फेंकने की ओर जुमलेबाजी की हद करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी नहीं होते तो शायद आज कोई जिंदा नहीं होता। कोरोना काल में हर देश की हालत खराब थी, पड़ोसी पाकिस्तान की हालत भी टीवी और मीडिया के जरिए सबने देखी। यहाँ जितने लोग हैं उनके भी किसी न किसी रिश्तेदार या दोस्त ने कहीं न कहीं कोरोना के कारण जान गंवाई होगी। जब हालात इतने खराब थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त में सभी का टीकाकरण कराया। आज अगर आप जिंदा हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। नरेंद्र मोदी ने फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। वहीं मंत्री जी के बिना सिर पैर वाले बयान के चलते सोशल मीडिया पर लोगों के जमकर कमेंट आ रही हैं और लोग जमकर उनका और भाजपा का मखौल बना रहे हैं। एक यूजर ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अगर आम इंसान परेशान, बेरोजगारी और भुखमरी से मर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी की देन है। मोदी सरकार इश्तेहार में पैसा खर्च किया न के देश की जनता के ऊपर। मोदी जी अपने घर से वैक्सीन नहीं लगाया, ये जनता का पैसा है, मोदी जी वैक्सीन का आविष्कार। वहीं एक दूसरे यूजर का कहना है कि हाँ बात तो सही है, मोदी नहीं रहते तो गरीब जनता कैसे जीते, मोदी जब से आया है तब से ही तो सब जिंदा हुए हैं, पहले सब मरे हुए थे। ये देश भी मोदी के आने के बाद आजाद हुआ है, 2014 से पहले से गुलाम था ये देश, मोदी है तो जिंदा है, नहीं तो सब मरे हुए हैं। एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि जनता के पैसे हैं और जिंदा मोदी जी के वजह से हद है। राम सूरत राय मोदी जी के वजह से विधायक मंत्री होंगे, जनता मोदी जी के वजह से जीवित नहीं है। वो अपने टैक्स के पैसे से वैक्सीन ली है, मोदी जी अपने घर के पैसे से नहीं दिए हैं। एक और यूजर ने लिखा कि कोरोना में सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले भारतीय, जिनकी संख्या 50 लाख मरे और मोदी सरकार की नाकामी और विफलताओं का आकर्षण का केंद्र बना है। काला कृषि कानून सीधा 750 किसानों की मौत का जिम्मेवार इन सरकार की गलत नीयत और नीति था, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक भी रहेगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। वहीं इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM News Express को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।